शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां ही कमज़ोर नहीं होती बल्कि लोग हाइपोकैल्सीमिया नामक दिमाग से जुड़ी बीमारी के चपेट में आने लगते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है हाइपोकैल्सीमिया और ये दिमाग पर कैसे असर डालती है। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल की बदलती जीवन शैली में ज़्यादातर लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगी है। इसके पीछे बिगड़ी हुई डाइट और विटामिन डी की कमी जिम्मेवार है। दरअसल आपकी बेहतरीन डाइट और विटामिन डी मिलकर शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाते हैं, लेकिन जब आप डाइट में विटामिन डी से भरपूर फूड्स का सेवन नहीं करते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। इस कारण सिर्फ हड्डियां ही कमज़ोर नहीं होती बल्कि लोग हाइपोकैल्सीमिया नामक दिमाग से जुड़ी बीमारी के चपेट में भी आने लगते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया है क्या। जब आपके खून में कैल्शियम का स्तर बहुत कम हो जाता है तब हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति पैदा होती है। वैसे तो इस बीमारी के होने के पीछे कई अलग अलग कंडीशन होते हैं, लेकिन यह ज़्यादातर शरीर में पैराथायराइड हार्मोन या फिर विटामिन डी के असामान्य स्तर के कारण होता है। इस वजह से शरीर में कई अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि दिमाग को ये कैसे प्रभावित कर सकती है। शरीर में कैल्शियम कम होने के कारण थकान ज़्यादा होती है, जिससे ऊर्जा की कमी और हमेशा सुस्ती महसूस होती है। इस वजह से नींद न आने की समस्या भी शुरू हो जाती है, जिस कारण लोगों में फोकस की कमी, भूलने की बीमारी और भ्रम की स्थिति होने लगती है। इस बीमारी की शुरुआत में कमर और पैरों में भी ऐठन और अकड़न आता है। धीरे धीरे समय के साथ हाइपोकैल्सीमिया का असर दिमाग पर पड़ता है और इस कारण भ्रम, मेमोरी लॉस, याद न रहना और डेलिरियम, डिप्रेशन जैसी गंभीर कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इससे बचाव कैसे करना है। हाइपोकैल्सीमिया से खुद को बचाने के लिए अपनी डाइट बेहतर कर विटामिन डी से भरपूर फूड्स का सेवन करें। वहीं डेयरी उत्पादों का सेवन करें जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा आप हर 6 महीने पर कैल्शियम का टेस्ट करवाएं, जो कि उसकी कमी से बचने के लिए बहुत जरूरी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।